सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आयुष, एक बार आपका फिर से स्वागत है द ब्रिंगिंग फैक्ट पे। आज हम एक ऐसे मोबाइल कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस कंपनी का आपने फोन कभी न कभी यूज जरूर किया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक सैमसंग कंपनी के बारे में। सैमसंग मोबाइल कंपनी किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत और दुनिया में हर तीसरे व्यक्ति के पास सैमसंग मोबाइल फोन देखने को मिलता है, तो इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि सैमसंग मोबाइल कंपनी कितनी बड़ी ब्रांड है। सैमसंग कंपनी के मालिक ली ब्यूंग चुल हैं, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1987 को हो गई थी। सैमसंग एक साउथ कोरियन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सैम और संग। सैम का मतलब होता है थ्री और संग का मतलब होता है स्टार, यानी कि थ्री स्टार वाला कंपनी। सैमसंग कंपनी में शुरुआती समय में सिर्फ 40 लोग काम करते थे, लेकिन आज के समय में 3,75,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जबकि एप्पल कंपनी के पास सिर्फ 80,300 कर्मचारी हैं। सैमसंग मोबाइल बनाने के अलावा और कई काम करती है, जैसे कि सैमसंग का इलेक्ट्रॉनिक का सामान है और सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस। सैमसंग कंपनी मशीन भी बनाती है, और इसके अलावा सैमसंग कंपनी कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी फोन ने भी एक ऐसा रिकॉर्ड बना चुका है जो कि किसी फोन ने नहीं बनाया है। माउंट एवरेस्ट पे जो पहली बार 3G कॉल की गई थी, वह सैमसंग गैलेक्सी के द्वारा की गई थी। साउथ कोरिया की सबसे अमीर फैमिली सैमसंग कंपनी के फाउंडर ली ब्यूंग चुल की है। आपको जानकर हैरानी होगा कि एप्पल कंपनी में जो रेटिना डिस्प्ले बनता है वह सैमसंग कंपनी द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि डिस्प्ले बनाने के मामले में सैमसंग कंपनी सबसे आगे है। सैमसंग कंपनी तकनीक से जुड़े काम ही नहीं बल्कि वह कुछ नेक काम भी करता है। सैमसंग कंपनी अपने नॉन प्रॉफिटेबल सर्विस सेंटर में हर साल लगभग $100 मिलियन मनी डोनेट करता है, जहाँ पर 1200 डॉक्टर और 2300 नर्सें काम करती हैं। वहाँ फ्री में इलाज होता है। सैमसंग अपना पहला मोबाइल डिवाइस 1986 में लॉन्च किया था। सैमसंग 1993 से दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेमोरी कार्ड स्टोरेज बनाने वाली कंपनियों में से एक है। एप्पल i5 और एप्पल i7 और अन्य कई मोबाइलों के लिए सैमसंग ही चिप बनाया करता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर मिनट में दुनिया भर में लगभग 100 TB सैमसंग के बेचे जाते हैं। सैमसंग साउथ कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी है, जो साउथ कोरिया के GDP में 15% का हिस्सा है। सैमसंग कंपनी अब तक 100 से अधिक तरह के बिजनेस में अपना हाथ जमा चुका है। क्या आप जानते हैं कि सैमसंग कंपनी का सबसे महंगा फ़ोन कौन सा है? इसका सबसे महंगा फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप जेड है, जिसकी कीमत ₹1,28,500 है। सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की शुरुआत 1960 में की थी, और आपको बता दें कि सैमसंग के 90% प्रोडक्ट खुद की कंपनी में बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को सैमसंग कंपनी ने बनाया है। दुनिया का पहला 3D होम थिएटर 2010 में सैमसंग कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के पॉपुलर ब्रांड सोनी को 2004-2005 में ओवरटेक किया और पूरी दुनिया में छा गया। दुनिया के 70% स्मार्टफोन सैमसंग के द्वारा बनाए गए रैम का इस्तेमाल करते हैं। सैमसंग साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है। साल 1970 में कंपनी ने अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट TV बाजार में लॉन्च किया था। आपको बता दें कि सैमसंग कंपनी शुरुआती समय में नूडल्स और मच्छी बेचती थी। आपको बता दें कि सैमसंग कंपनी वाट फोन और MP3 फोन 1999 में लॉन्च किया था। आपको सैमसंग कंपनी के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर उत्तर जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।